क्या चल रहा है महेश केश वाला AKA थगेश। वेलकम टू अनदर येट अनदर एपिसोड ऑफ रील रिव्यू। यस, बेटर देन गेम ऑफ थ्रोन्स। तुम लोग लगता है ये मेरे को वीकली करना चाहिए? बताओ कमेंट्स में। करते हैं आज के रील रिव्यू। हाँ भाई, जितने भी शादीशुदा दोस्त है ना मेरे, एक बार ये कर लेना, अपनी नौकरी से 20 दिन की छुट्टी लेना, घर पे जाना और अपनी वाइफ से बोलना कि नौकरी नहीं रही अब मेरी, और फिर 1 से 2 दिन बाद बोलना कि लॉस भी बहुत ज्यादा हो गया, जितनी सेविंग्स थी ना वो भी सारी चुकानी पड़ेंगी, वो भी खत्म हो जाएगी। अब 15 दिन तक ऑब्जर्व करना, परखना चीजों को, घर में आपकी कितनी इज्जत हो रही है, कि आपने जिससे शादी करी है उसका रिएक्शन कैसा है, उसका प्यार कैसा है और सपोर्ट कैसा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे पे। हाँ भाई, मैं ट्राई किया 15 दिन, डिवोर्स हो गया। अभी क्या करूं बताओ भाई, डिवोर्स नहीं चाहिए लोगों को, और कोई काम नहीं है क्या लोगों के जीवन में? ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहे अपनी वाइफ के साथ। एक तो डिसलाइक बटन भी हट गया YouTube से, कि जिसका डिवोर्स हुआ है उसने डिसलाइक किया होगा वो भी नहीं समझेगा अब तो। बाय द वे, हमने शिवम मलिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, भाई ने हमको उस पर रिप्लाई भी दिया है। हेलो, हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो मैं देख रहा हूँ आजकल YouTube पे बहुत सारे लोग मेरी रोस्ट वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। रिएक्शन तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मुझे ना बड़ी अच्छी लगी सबकी वीडियो देखी मैंने, और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि उन्होंने टाइम निकाला मेरे लिए, मेरी वीडियोस स्क्रॉल करी ऊपर नीचे तक। थैंक यू उसके लिए। नहीं, बट बंदे ने काफी सपोर्टिंग ले लिया ये तो उन सब लोगों को। और यार इसमें हेट वाली क्या बात है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं। अगर आधे लोग जिन पे मैंने रोस्ट वीडियो बनाया है वो ऐसे ही रिएक्ट करते तो और क्या ही चाहिए होता। बना रहा हूँ, उनका काम है, वो मेरा काम है, उन्हें कॉन्टेक्ट मिल रहा है मेरी वजह से, और मैं किसी के काम आया, अच्छी बात है। और किसी के घर दाल के साथ साथ पनीर बन रहा है मेरी वजह से, तो वो भी अच्छी बात है। तो बस मैं तो यही कहूंगा कि इसमें हेट वेट वाली हक दिया। इतना बुरा वीडियो, मेरा इतना तारीफ क्या, पूरा वेस्ट करा दिया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। इतना शुरुआत में हम्बल बन रहा था, एंड में डायरेक्ट तुम्हारे घर में पनीर बन रहा है मेरी। अरे यार सॉरी भाई, हम्बल स्टे हम्बल। ठीक है, अगर आपको अभी मिल्क करेंगे तो पनीर तो निकलेगा ही। एनीवेज नो हेट। तारक मेहता देख के अब तो मुझे भी बबीता जी के सपने आने लग गए। क्या हो रहा है भाई रील्स पे? सारा जिस उम्र में तारक मेहता ठीक से समझता नहीं है उस उम्र में छोटू को बबीता जी के ख्वाब आ रहे। आई नो, ऑफकोर्स इसके मम्मी पापा ने शूट करके डाल दिया होगा, बच्चा अच्छा खासा अपनी स्कूटी चला रहे, लेकिन नहीं, बच्चे से कुछ भी डायलॉग बुलवा के हम डाल देंगे। कौन है ये लोग? बच्चा पैदा किया तो उससे पैसे तो कमाने चाहिए, पैसा बहुत जरूरी है भाई। एंड तुम लोगों को तो पता ही है आजकल ऑनलाइन पैसा कमाना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड ये एक सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए आपका। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको OctaFX ट्रेडिंग ऐप बाय OctaFX ब्रोकर, एंड इसे द बेस्ट फोरेक्स ब्रोकर इंडिया 2021 का अवार्ड मिला है, एंड ये अपनी दिल्ली कैपिटल टीम का न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर भी बन गया है। यस, इसे बेसिकली आप 35 करेंसी पेयर, गोल्ड इंडाइसेस और क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं विदाउट किसी कमीशन के। और मेन थिंग, इस पे अभी क्रिकेट गिव अवे भी चल रहा है 2022 का, 1 लाख प्राइजेस, 1 से स्क्रैच भी मिलेगा, और जो तुम्हें चाहिए वो जीतने का मौका। आई नो, अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग तो उनके लिए OctaFX सारा एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता है, लाइक वेबिनार 24/7 सपोर्ट एंड डेमो अकाउंट, उस पे ट्रेड करो एंड कॉन्फिडेंस आए तब रियल ट्रेडिंग शुरू करो, जो कि शुरू कर सकते हो ओनली 3,000 रुपीज में, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक कार्ड, UPI, बैंक अकाउंट, क्रिप्टो वॉलेट एक्सेट्रा में। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करो एंड यूज माय प्रोमो कोड थगेश100 अपने डिपॉजिट को डबल करने। एंड इससे बेटर क्या ही टाइम होगा भाई ट्रेडिंग का, ज्वाइन OctaFX नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दीदी उसको किसी और का बाद में करना, फिलहाल उसको जल्दी छोड़ दो, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, उसका शक्ल देखो 17 का यार। साफ मालूम पड़ रहा है इसको ब्रीफिंग नहीं मिली थी कि क्या होने वाला है आज। ये आप तो बोल रही थी पार्क में बस घूमने जाने, ये क्या कर रही हो आप? ये दाढ़ी किस लिए, कोई मन्नत है? नहीं, मन्नत क्यों मांगूंगा, ऐसे ही अच्छा लगता है, स्मार्ट दिखता है। मेरे को सीरियसली अभी समझ ही रहे बच्चे लोग इंटरनेट पे आ क्यों रहे, इनको रिश्तेदार बोर्ड के रिजल्ट्स पूछेंगे ना उस वक्त भी ये मार्कशीट का फॉलोअर बता के आएंगे। ऐसा देखा जाए तो एग्जाम शीट पे जो कंटेंट ये लिख के आते और जो कंटेंट रील्स पे बनाते दोनों में सिमिलैरिटी तो है, दोनों से ही माँ बाप का नाम खराब हो रहा है। चलिए मान लीजिए कि मैं बुरा आदमी। देखो मैं ऐसा हमेशा बोलता हूँ कि घर पे मम्मी पापा को तंग मत करो, लेकिन तू जाके तंग कर मम्मी पापा को, इंटरनेट पे कचरा मत फैला, पूरे इंटरनेट को तंग कर रहे। Oh, you see this guy? Number one bullshit guy. He do the... अरे, लगता है आंटी का ये डेली सास बहू सीरियल देखना बंद करवाना पड़ेगा। इतनी ओवर एक्टिंग,
ऑल्सो मैं बता देता हूँ कि ऐसा मारपीट करना क्राइम है। आई होप तुम लोग बात जानते हो तो बोलोगे थक। इस भाई ने वीडियो में दिखाया तो हम लोग भी करेंगे। नहीं भाई नहीं, तुम्हारे चक्कर में मैं अंदर हो जाऊंगा किसी दिन। भाई की ऑप्टिमिज्म की दाद देनी पड़ेगी। इसने खुद को ही मेडल दे दिया है, मेडल दिया सबसे क्रिंज डांस का। परफेक्ट टेक्निक है, ट्रेन में बिना टिकट भी चढ़ जाओ ना तो ये देख के ना टीटी भी भाग जाएगा। भाई तू इतना अच्छा है, अभी तक सिंगल क्यों है? भाई अपने को किसी के दिल के साथ खेलना नहीं आता। यार ऐसे स्टार्ट होएगा तो कैसे चलेगा भी? भाई इसको देख के लग रहा है दिल के साथ नहीं सीधा जिंदगी के साथ खेलता होगा। एक तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं जिसपे इतना एक्टिंग करना पड़े। भाई तू इतना अच्छा है, अभी तक सिंगल क्यों है? भाई वो दो बार सातवीं फेल हुआ था। मेहनत तो है भी रील्स बनाने में। एक तो जिस पॉइंट पे नीचे गिरा ना उसके नीचे दो लोग ऐसी रील और बना रहे टेढ़े होके। सही है भाई, लड़की नहीं पटती तो बोल दो दिल से खेलना। मतलब ठीक है, छैया छैया क्यों कर रही है? प्यार मजाक नहीं होता। लेकिन मेरी जिंदगी है। लेकिन मुझसे मिलने के पहले थी ना याद है तुम्हें? अगर इतना ही डर था तो इतने पास क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना। यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसी पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं जस्ट गो अवे। क्या हुआ भाई, क्लास के बाहर निकाल दिया है क्या इसको? भाई क्या हो गया ऐसा जीवन में बुरा तेरे साथ? रबर खाने की आदत गलत ही होती, अभी इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र तो नहीं खुलवा सकते ना? बेस्ट किसर्स आर बॉर्न इन मई सितंबर जुलाई जनवरी। तू को अभी ये हाईली साइंटिफिक रिसर्च थियरी ना, मैं अभी वेरीफाई करता हूँ। इमरान हाशमी का बर्थडे तो मार्च में आता है, पक्का झूठ है ये थियरी। एक मिनट, मेरा बर्थडे सितंबर में आता है, सच है, तेरे को रोस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट। हाँ भाई नंबर दे जल्दी उसका। हाँ भाई नंबर नोट करना जरा। अच्छा 999। अच्छा 2020। अच्छा ओके भाई, थैंक यू भाई, नंबर देना 999। अच्छा है 2020। अच्छा ओके भाई, थैंक। अच्छा ये भी वेरीफाइड है यार, मैं ही नहीं हूँ क्या वेरीफाइड? इसका तो मेरे को रियल लाइफ में भी कॉल आया ना तो पहले नंबर सेव करूँ, फिर डिलीट करूँ, फिर ब्लॉक करूँ? भाई इतना चॉकलेट कहाँ से आया? फ्री टाइम में पार्क में बच्चे किडनैप करते हैं क्या? तनी इसको देख के ऐसा क्यों लग रहा है अभी बोलेगा? भाई बस तीन लोगों को जोड़ना है ये स्कीम में। भाई ये फंस गया सी है। भाई ऐसे रील्स बनाएगा तो अगला रिजेक्शन दूर नहीं। ये ब्यूटी खाने अंकल का लाइफस्टाइल देख के लग रहा है कि जो ग्रीन स्क्रीन में ब्यूटी का नाच रही है इधर, उससे भी ज्यादा फेक अंकल के नोट है जो घुमा रहे। इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे जाता है? थाला मैं यूट्यूबर नहीं होता ना, ये सब कर रहा होता। दूल्हा समझ गया कि फालतू रील बनाने आ रहा है इधर। जो पहले रो रहा था वो एक्टिंग है, धक्के मार के निकाला ना, वो रियल आंसू है इसके। एक तो मेरी शादी में ऐसा अपरिचित जैसा बंदा कोई दिख गया ना मेरे को, अम्मी को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर, मेरा भूत भगाने वाला तांत्रिक बुला लूं। जैसे लड़के ने नाचना शुरू किया ना, माँ का एक्सप्रेशन देखो। माँ ने देख के दिमाग में सोच लिया कि पीछे जो सीमेंट की दीवार है खुद मेरे को मजदूरी करके पेंट करवानी पड़ेगी, इससे कुछ ना होगा। सलमान भाई के हमशक्ल को देख के ऐसा क्यों लग रहा है जिंदगी भर कुंवारा रह गया?
ये है नया इंडिया। अब इनको मालूम पड़ गया छपरी रील्स बना के घर चलने वाला नहीं है। सबके सब चोर हैं साले। भाई तू दोस्ती के लिए क्या कर सकता है? जान भी दे सकता। और तू बेशक चलो आज इन्हें आजमा ही लेता हूँ। माँ बाप वगैरह नहीं होते क्या घर पे? इसके भी लिए दोस्त बीस के लिए गोली खा के मर जाते। अच्छे से आजमा लेता हूँ। मतलब क्या दोस्त चाइना का माल ले देख रहे तू? और तो और गिने चुने दो दोस्त बचे, बाकी ये टट्टी रील्स देख के सब भाग गए। उनमें से भी एक मर रहा है। तो समझ नहीं रहा है, बोतल पिया उसने, पानी गले से उतरा नहीं, उसके पहले जहर का असर हो गया। सारा दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी काट लेना, इतनी जल्दी असर नहीं होता क्या? और रेप्टाइल लोग पे जाते बुझा देखो तुम्हारे लिए मैंने ट्रेवल स्टार्ट कर दिया। आज सूर्य वंशम के हीरा ठाकुर जैसा मेरा भी बिजनेस होगा। हेलो बेवफा पूजा इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस लिख के साला आरसीबी का टी शर्ट पहनता, मजाक उड़ा रहे क्या हमारा? मैं आ जाऊँ क्या? खड़े होकर ये मत चिल्लाओ कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। तुम्हारे जैसे लोग पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वीडियो बनाया लाइक करो, चैनल पे न्यू डू सब्सक्राइब। And don't forget to download OctaFX link description में and use करो code Thagesh100 अपना deposit double करने। And मेरे को follow करो Instagram पे @MaheshKeshwala and पिछला video नहीं देखा तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। That's it for today guys, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए peace।